सर 1000 के 5000 किसानों के मनाता मंडी में सोयाबीन आ रही है तो ये भाव पे भाव डाउन करते जा रहे। ये आप मेरे को बताओ कि 3500 से 3100 रुपए कहाँ से सही मायने में सोयाबीन का ही बताओ। जब हमने सोयाबीन का बीज उपचार किया था, जब हमने सोयाबीन बोई थी 10000 रुपए क्विंटल की बोई थी, 10000 रुपए क्विंटल की सोयाबीन बोई थी और 1 एकड़ में 50 किलो हमने सोयाबीन बोई थी और हमने निंदाई खोदाई की करपाई की, करपे वाले ने 900 रुपए एकड़ से उसका करपा का लिया। आज सोयाबीन काटने का मजदूर कितने पड़ रहा है? 2000 रुपए एकड़, 1500 रुपए इकट्ठी करने में और 7 किलो पर क्विंटल का सोयाबीन मशीन वाला लेता है। अगर 1 एकड़ में अभी रेशा बेट रहा 5 क्विंटल का, 6 से 7 5 से 7 क्विंटल का, तो 5 से 35 किलो तो वो ले गया है। उसके बाद 2000 एकड़ को काटने का दिया, 1500 रुपए इकट्ठी करने को दिया, प्लस 4 जने मजदूर को दिया, उसने 4 जने 500 रुपए सोयाबीन मशीन। आप किसी से पूछ 500 रुपए में कम आ रहा है मशीन निकालने वाला? 500 रुपए 4 आदमी के 2000 उसने दिए। उसके बाद निंदाई खोदाई की, दवाई डाली, 3-3 स्प्रे दवाई के दिए, एड़े के स्प्रे दिए, फिर आखिरी में एड़े के स्प्रे डालने के बाद वो हमारा चारा हुआ तो फिर सबने ना विप सुपर डाली थी कि दवा के बीच में क्या अपना सामान खत्म हो जाए। तो दादा गलत बोल रहे हो कि सही बोल रहे? उसके बाद अपने को 3700 रुपये में, 3500 रुपये में, 3100 रुपये में बोली लगा क्या मिल रहा है? इससे बढ़िया तो नदी में बहा दे। सही है, बताओ आप मेरे को क्या मिल रहा है? आप बता दो मेरे को, ये 1 रुपये में मिल रहा तो मैं आपका ऋणी होता हूँ। क्या बोलना चाहते हैं खरीदे तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये देखिए आप 5100 का माल देखिए, ये मेरे सामने 1 बोरी का 5100 का माल, वो मेरे भाई का माल 17 बोरी का, वो 3700 रुपए, 3100 रुपए ऐसा ही भाव अगर मिलता रहेगा तो आप आगे क्या करोगे? मेरा यह सिर्फ ऐसा कहना है, मेरे सामने मेरे को है ना एक बात स्पष्ट रूप से, 100 गिदड़ों की फौज जरूरी नहीं इकट्ठी करने की, जरा कैमरा इधर करो, 100 गिदड़ों की फौज इकट्ठी करने के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ मेरे को 10 शेर चाहिए जो इस तमाम किसानों के लिए आवाज उठा सके, रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, रात के सुबह की 10 बजे, वो 10 शेर ही काफी है। मेरे जैसा अगर आवाज मेरे सामने अगर 10 शेर इकट्ठे हो जाते ना तो आज दिन ये इन वाणियों को वापस आना पड़ता कि भाई साहब हमसे गलती को माफी चाहते हैं और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।